आगे चल के सूरा फुरकान में अल्लाह के बंदों के इबादुर रहमान के औसाफ बयान फरमाते हैं। फरमाते हैं, अल्लाह वो बाबरकत जात है जिसने आसमान में कलाए बनाए, सूरज और रोशन चांद बनाया, वो रात दिन को एक दूसरे के पीछे लाता है। रहमान के बंदे जमीन पर आजजी से चलते हैं, जाहिल उनसे मुखातिब हों तो वो बावकार तरीके से शरीफों की तरह सलाम करके गुजर जाते हैं, दूर हो जाते हैं। उनकी रातें क़याम व सुजूद में बसर होती हैं, अपने रब ताला से जहन्नम से बचने की दुआएं करते हैं। खर्च करते हैं तो न बुख़ल से काम लेते हैं न फजूल खर्ची करते हैं, खुदा के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, किसी को नाहक कत्ल नहीं करते, जिना नहीं करते। ईमान वाले तौबा कर लें तो उनकी बुराइयां रब ताला नेकियों में बदल देगा। ये लोग झूठी गवाही नहीं देते, कोई बेहुदा काम हो रहा हो तो बहुत विकार से करीब से गुजर जाते हैं, उसमें शरीक नहीं होते। अपने रब की आयात पर गौर करते हैं और रब की आयात पर अंधे बहरे बनकर नहीं गिरते। रब की आयात है कुरान मजीद, समझ के पढ़ते हैं, अंधों की तरह से तोतरक ही नहीं लगाते रहते हैं। अपने रब से दुआएं करते हैं, ऐ अल्लाह हमारी बीवियों और हमारी औलाद को हमारे लिए आंखों की ठंडक बना और हमें परहेजगारों का इमाम बना, यही जन्नती हैं, इनको जन्नत में सलामती के साथ खुश आमदेद कहा जाएगा।